धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार। सफलता की ऊंचाई पे हो तो धीरज रखो, सफलता की ऊंचाई पे हो तो धीरज रखो, क्योंकि पक्षी भी जानता है आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। सुप्रभात मेरे भाइयों, तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज सुबह 5 बजे जा रहे हैं। कहाँ पे ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा चलते हैं। तो ये देखिए दिल्ली की सुबह कुछ इस प्रकार होती है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर से लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पहाड़ी बिल्डर्स। और आज हम लोग निकल चुके हैं बहुत अच्छी जगह, बताएंगे आपको सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे। तब तक आप ये व्यू देखिए। तो अभी तक का मतलब काफ़ी 1-1.5 महीने से हम लोग राइड नहीं कर रहे थे, और अब जब हमने स्टार्ट किया है तो पहले ही 40 किलोमीटर का टारगेट ले लिया है। देखते हैं और आपको दिखाते हैं नई जगह। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ, अगर वो साइकिलिंग करते हैं तो इस जगह ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे जो मॉर्निंग व्यू है, जो बादलों को आप देख रहे हो उसमें हल्की हल्की धूप की किरणें पड़ने की वजह से वो बादल ऑरेंज से दिखते हैं। भाई ये व्यू इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनके ऊपर बादल। तो गाइज़ इस व्लॉग की स्टोरी कुछ और है, ये ऐसे शुरू नहीं हुई थी। एक दिन मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैंने देखा कि केजरीवाल जी ने इनॉग्रेशन किया है चांदनी चौक 2.0 का। तो भाई हम लोगों ने देखा ऐसा क्या कर दिया, तो चल के देखते हैं। तो ये देखिए बीच रास्ते में हमें ये इतना प्यारा व्यू मिला। सो राइड स्टार्ट करते हैं दोबारा से। यहाँ पे व्यू के लिए रुके थे और 10-15 मिनट रह गए हमारी डेस्टिनेशन को। जो लोग सुबह उठते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और देखिए जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है। जैसे मॉर्निंग में मुझे दिखा इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक। तो ये देखिए चांदनी चौक पहले ऐसा दिखता था। और एक और बात बता दूं, कुछ गलियां आज भी ऐसी हैं जो आपको इसी प्रकार दिखेंगी, ऊपर से तारे लटकती हुई। और ये है हमारा कुछ नया और शांत सा चांदनी चौक। और अब आप देख रहे हैं ये 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच, एग्जैक्ट बताऊँ तो 1.4 किलोमीटर का स्ट्रेच गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। मेरे भाई इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, CCTV लगे हैं, वायर केबल्स लगाए गए हैं। मेरे भाई वायर केबल्स को अंडरग्राउंड किया गया है, जितनी भी तारें ऊपर से लटक रही थी उनको सबको अंडरग्राउंड कर दिया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि अब चांदनी चौक 2.0 बन चुका है, टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। तो एक बात तो है यार, न्यूज़पेपर की खबरें कभी झूठ नहीं कहती। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपके साइड में लगा दी और देखिए, और सामने असली व्यू बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। यहाँ पे तो भाई देखने को मिला कि बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांट्स लगा रखे हैं, और बीच में बड़े भी प्लांट्स दिख रहे होंगे। पार्किंग के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बीच रोड में पार्किंग करेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। फुटपाथ बना रखा है मेरे भाई, अलग से लेन बना रखी है, बीच में बैठने की जगह है, बहुत प्यारी प्यारी जगह बना दी है भाई। और व्यू आप देख सकते हो कितना खुला खुला लग रहा है हमारा चांदनी चौक। और ये देखिए एक बार सल्यूट कर दीजिए हमारे तिरंगे झंडे को, क्योंकि भाई कुछ भी हो कुछ भी हो, पर जब तिरंगा झंडा लहराता है ना इतने प्यार से, तो भाई दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो आप लोग चांदनी चौक ज़रूर आएँ, नई स्ट्रेच को ज़रूर देखें जो कि 1.5 किलोमीटर तक बनी है, एग्जैक्ट बात करें तो 1.4। तो एक बार सब लोग सल्यूट ज़रूर करें झंडे को जहां भी देखें। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक, जो नई रोड बनी थी यहां पे उसे चेक करने आए थे। ये हमारे पीछे नई रोड बिल्कुल बन चुकी है, साइकिल से आए हम लोग। काफ़ी लंबा राइड था, ढूंढना ही बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि अंदर जो चांदनी चौक है वो अभी भी वैसा ही है, बट जो बाहर है, बाहर का एरिया काफ़ी अच्छा बना दिया है। पीछे झंडा भी है देखो,
तो चलते हैं, बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके हैं। ये पीछे की रोड है, चलो चलते हैं यार, लेट ज़्यादा हो गया। इस प्रोजेक्ट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि प्लांटेशन को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। छोटे से छोटे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े ट्री भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट को। देखो, कोई भी गवर्नमेंट काम करती है तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना बनता है। हमेशा लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स को मतलब देख के हम लोग जज नहीं कर सकते, कभी कभी अच्छे कामों को भी देखना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल जी, उनने जब इसका इनॉग्रेशन किया तो यहाँ पे बताया गया कि चांदनी चौक 2.0 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दिल्ली टूरिज्म में। तो गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, दिल्ली टूरिज्म को बढ़ाएगा हमारा चांदनी चौक 2.0 रिकंस्ट्रक्शन। इतना अच्छे से किया गया है भाई, देख के दिल खुश हो गया। सामने ही आपको दिखेगा हमारा प्यारा सा रेड फोर्ट। तो देखिए, रेड फोर्ट की हमने बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स ली हैं और बहुत सारी फोटोज भी क्लिक की हैं, तो आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। हम लोग रेड फोर्ट की खूबसूरती में इतना खो गए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो चलते हैं घर। ये है SAI का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, सामने आप देख सकते हो इंडिया गेट, हमारा प्यारा इंडिया गेट, और बीच में है वॉर मेमोरियल। देखिए, सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं। आपको हमने लाल किला दिखा दिया, चांदनी चौक दिखा दिया, SAI का सेंटर दिखा दिया, और सामने देखिए आपके इंडिया गेट। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अपनी हेल्थ को और अपने आप को फिट रखकर। तो गाइज, आप पहाड़ी ब्रदर्स के साथ बने रहेंगे तो हम आपको और भी इतने प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाएंगे। और यहीं पर इतना प्यारा ओलंपिक का लोगो और साइड में मोदी जी की फ़ोटो भी लगी है। मेरे भाई, पैरालंपिक को सपोर्ट किया था मोदी जी ने और ओलंपिक को भी, तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर भाई बहुत कम मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में जो कि स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट करते हैं। तो दिल्ली का ये मॉर्निंग का दृश्य आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जो मेरे प्यारे भाई और बहन हैं वो जो नहीं उठ पाते हैं सुबह, तो गाइज़ हमारे कैमरे के थ्रू देखिए दिल्ली की सुबह। जय हिंद, जय भारत। You won't look out for me.